गाइज़ वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल योनिक क्लासेस। तो आज जो हम वीडियो लेकर आए हैं ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट हो चुकी है इस टाइम पर, क्योंकि पूरे सोशल मीडिया में और कहीं पर भी अगर आप सर्च करते हैं और इसके साथ साथ हमारे यूट्यूब चैनल पर भी, आप सभी को एक जो गुड न्यूज़ है आप सभी को दी गई थी। वो जो गुड न्यूज़ थी वो ये थी कि राजकीय प्रतिभा विकास विद्यालय यानी कि RPV में जो एडमिशन है वो ओपन हो गए हैं 2022 के लिए। तो अब जो ये है, जैसे कि आप सभी की कमेंट्स भी आई थी, मैंने कहा था कि आप सभी अपने आसपास के स्कूल में विज़िट करो और उनसे जाकर पूछो किस तरीके से प्रोसेस है, एडमिशन फॉर्म जो है ऑनलाइन जो कह रहे हैं वो कब तक आएंगे, और ऑफलाइन जो फॉर्म कह रहे हैं कि आ चुके हैं तो वो आप लेकर आओ, ठीक है, इस तरीके से मैंने आपको कहा था। तो अब जो हैं आप में से बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं RPV में जाकर विज़िट करके आए हैं, और वहाँ से सबको ज़्यादातर मोस्टली जितने स्टूडेंट्स हैं उनको ये सुनने को मिला है कि RPV जो स्कूल है वो कन्वर्ट हो गए हैं SOSE में। तो ये बात हम सभी भी जानते हैं कि RPV जो स्कूल है वो SOSE में कन्वर्ट हो चुके हैं, ठीक है, सारे के सारे नहीं, मोस्टली कन्वर्ट हो चुके हैं। तो कन्वर्ट होने का भी क्या तरीका है वो भी मैं आपको बताऊंगी कि जो स्कूल हैं वो RPV के रहे हैं या फिर SOSE के बन चुके हैं पूरी तरीके से, और ये एडमिशन की जो ये न्यूज़ चल रही है ये फेक है या रियल है ये भी मैं आपको बताने वाली हूँ। तो देखिए, ध्यान खोलकर सुनिएगा कि जितने भी मैंने बहुत सर्च किया, और जैसे सर्च किया, जैसे कि आप सभी भी देखते हैं वेबसाइट वगैरह पे सर्च करते हैं, मैंने सर्च किया और उसके बाद जैसे कि सभी ज़्यादातर मोस्टली वेबसाइट्स ने ये बना रखा था कि जो RPV है उसमें जो एडमिशन है वो ओपन हो गए। तो मुझे लगा ये बहुत ग्रेट अपॉर्चुनिटी है और इसका टाइम से आपको पता चल जाए तो काफ़ी अच्छा रहेगा, ठीक है, इसलिए मैंने जो न्यूज़ है आप सभी को दी। पर मुझे अभी जो ये बात कहते हुए बहुत बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है कि मैंने थोड़ा सा टाइम और ले लेती और मैं बहुत अच्छे से कांटेक्ट कर लेती टीचर्स से तो मुझे ये पता चल जाता कि ये जो न्यूज़ जो फैल रही है ये बिल्कुल गलत है, यानी कि RPV के जितने स्कूल हैं वो सारे के सारे SOSE बन चुके हैं। अब कैसे बने हैं ये आप देखिए, RPV के जो स्कूल्स हैं, और इससे पहले मैं आपको बताऊं, इससे पहले मैं आप सभी से दिल से माफ़ी मांगना चाहती हूं। मेरा हमेशा से यही जो प्रयास है वो ये रहा है कि मैं अपने YouTube चैनल पर फेक चीज़ कभी ना करवाऊं, जो किसी के हर्ट को ब्रेक करे, ऐसी कुछ भी चीज़ें मैं नहीं बनाऊं। मुझे व्यूज़ से मतलब नहीं है, व्यूज़ से मतलब होता तो अभी तक मैं करोड़ों ऐसी वीडियोज़ बना देती जिससे जो है किसी का भला नहीं होता और बस ऐसे ही। तो अभी तक मुझे व्यूज़ से मतलब होता तो मैं जो हूँ इतने सालों से ऐसे ही लगी हुई नहीं होती यूट्यूब चैनल पर। तो मैं आप सभी से माफ़ी मांगना चाहती हूँ कि ये फेक न्यूज़ हमारे यूट्यूब चैनल की वजह से आप सभी के पास पहुँची, और जैसे ही मुझे पता चला वैसे ही तुरंत मैंने बहुत अच्छे से सर्च किया, मैंने जो EduDel की जो वेबसाइट है उस पर बहुत सर्च करने की कोशिश की, पर वहाँ पर केवल और केवल 2019 तक के और 2020 तक के जो एडमिशन है वही शो हो रहे हैं, उसी की लिस्ट शो हो रही है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं मिल रहा है वहाँ पर, ठीक है। तो ये जो है इससे साफ तौर पर ये होता है कि कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन वगैरह कुछ भी नहीं आया है और ये एक फेक न्यूज़ फैलाई जा रही है पैसे कमाने के लिए। साथ ही साथ जो है बुक्स वाले जो होते हैं वो इसलिए ये न्यूज़ को फैलाते हैं कि उनकी जो बुक्स होती हैं वो आप परचेज़ करेंगे और उनके पैसे बनेंगे। तो यहाँ पर जो है, और इसके साथ साथ अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि ये क्या फंडा है RPV का, ठीक है। तो RPV के जो स्कूल्स हैं, जैसे कहा जाता है कि जो RPV के जो स्कूल्स हैं वो किस में चेंज हो गए हैं, ये चेंज हो गए हैं आपके, ये आपके जो स्कूल्स हैं सारे के सारे किस में चेंज हो गए हैं, ये आपके चेंज हो गए जो SOSE है, ठीक है। तो ये सारे के सारे कैसे चेंज हुए, अब आप सोचेंगे न्यू एडमिशन तो लेते होंगे, तो इसमें ये चल रहा है कि जो RPV का जो स्कूल है उनका नाम बदल के SOSE के कर दिया गया है, और इसके साथ साथ जो है इसमें जो 8th के 9th के 10th के 11th के 12th के जो बच्चे हैं, बस जब जिन्होंने एडमिशन ले लिया उनको RPV के थ्रू पढ़ाया जाएगा, और 12th कंप्लीट होते ही वो जो स्कूल है उनका प्योर तरीके से जो होगा SOSE का बन जाएगा, यानी कि RPV स्कूल के जो बच्चे अगर जितने भी हैं अभी तक वो निकल जाएंगे तो प्योर तरीके से SOSE बन जाएगा, ठीक है। तो ये जो है
ये जो बैड न्यूज़ आई थिंक आप सभी बिल्कुल नहीं सुनना चाहते थे, पर मेरी गलती रही है कि मैंने जो है पहले कांटेक्ट करके नहीं देखा उनसे। मैंने नेक्स्ट डे यानी कि आज जो है आज कांटेक्ट करके देखा आरपीवी के बहुत सारे स्कूल्स में, ठीक है, तो उनमें यही कहना है। और कोई अपडेट होगी तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। और इसके साथ साथ जो है देखिए, आशा मत खोइए अपनी, स्कूल ऑफ एक्सलेंस जो है शायद वो अपना फॉर्म निकाल सकता है, ठीक है। SOSC स्पेशलाइज्ड जो है इन्होंने तो निकाल दिए हैं, अब स्कूल ऑफ एक्सलेंस जो है, क्योंकि बहुत सारे स्कूल ऑफ एक्सलेंस के जो स्कूल्स हैं उनकी बिल्डिंग तैयार हो रही है, तो हो सकता है इस साल वो फॉर्म निकाल दें, ठीक है। तो इसलिए निराश नहीं होना है। और इसके साथ साथ अगर जिसको ये लगता है कि उसका एडमिशन नहीं हो पाएगा SOSC में, मैं उनसे यही कहूँगी अपने नेक्स्ट क्लास की तैयारी करने अभी से स्टार्ट कर दो, और फिर से मौका मिलेगा 11th क्लास में आप एडमिशन करवा सकते हैं। और जो बच्चे अभी 11th में हो चुके हैं तो वो अपनी 11th और 12th की अपनी तैयारी शुरू कर दो, ठीक है। हमें जो है आगे बढ़ना है, आप जो है और भी सोर्सेज का यूज़ कर सकते हो, यूट्यूब चैनल्स कितने सारे हैं, ठीक है, तो उनका यूज़ कर सकते हो। इतनी बढ़िया बढ़िया वीडियोज़ होंगी, शायद वो SOSC के स्कूल में भी आपको जो टीचर्स है वो नहीं करवा पाते होंगे, क्योंकि बहुत सारे जो हमारे जितने बहुत सारे ऐसे होते हैं जो PhD कर करके भी आपको क्या है वीडियोज़ बना के प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वो वीडियो सिलेक्ट करनी वो आपकी ज़िम्मेदारी है कि आपको किसका कैसा समझाया हुआ पसंद आता है, ठीक है। और ये इससे कुछ नहीं होता है कि स्कूल में एडमिशन इस स्कूल में हो गया SOSC में तो ठीक है, नहीं हुआ तो हमारी ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी, नहीं। आपको बस केवल और केवल एक गवर्नमेंट जॉब चाहिए, ठीक है। मानना ये है कि आप जॉब करने के लिए तो जा रहे हैं वहाँ पर SOSC के स्कूल में, गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट हो, ठीक है। जिसको प्राइवेट जॉब चाहिए उसके लिए प्राइवेट की तरीके से तैयारी करें, जिसको गवर्नमेंट जॉब चाहिए तो गवर्नमेंट की तरीके से अभी से तैयारी करोगे तभी होगा, ठीक है। तो इसलिए अपनी तैयारी अपने घर पर ही बना लो, ठीक। और इसके साथ साथ आपके स्कूल टीचर्स तो आपके साथ रहते ही हैं, और कोई ज़रूरत हो तो हम हैं आपके साथ। और मैं फिर से आप सभी से माफ़ी मांगना चाहूँगी कि हमारे YouTube चैनल के थ्रू आपको ये फेक न्यूज़ पता चली, पर हमारे ही YouTube चैनल के थ्रू आपको ये भी पता चल रहा है कि ये एक फेक न्यूज़ है। आई थिंक अभी तक किसी भी YouTube चैनल ने अभी तक ये बात नहीं बताई है, तो आप इससे समझ ही सकते हैं, और शायद आप दोबारा से भरोसा कर सकते हैं इस बात को सुनकर कि हम जो हैं अपनी गलती मानते हैं और साथ ही साथ जो है उसको सुधारने का पूरा प्रयास भी करते हैं। तो अब आपकी मर्जी है आप, क्योंकि हर इंसान से गलती हो सकती है, मुझसे भी हुई है, और मैंने बहुत जल्द ये जो गलती है वो ठीक करने की कोशिश की है। आई थिंक आप सभी समझेंगे मेरी जो ये रही है गलती। और अब मैंने आप सबको, और हो सकता था आप सभी मेरी वीडियोस ना देखकर किसी और की वीडियोस देखकर, या फिर जो ये वेबसाइट ही फेक न्यूज़ फैला रही है उसको देखकर आप ये समझते कि RPV के जो स्कूल है वो उसमें एडमिशन ओपन हो गया, जैसे आप सभी को लगा ऐसे मुझे भी लगा, ठीक है। और इसके साथ साथ जैसे कि आपको पता होगा कि क्लास 10th और 12th के बोर्ड एग्ज़ाम कैंसिल होने को लेकर कितनी फेक न्यूज़ बनी है, यहाँ तक कि हमारे जो ये बड़े बड़े न्यूज़ चैनल हैं उन्होंने भी फेक न्यूज़ जो है वो प्रोवाइड की थी हमें। तो ऐसी चीज़ें जब वो कर सकते हैं तो उसमें हम धोखा खा सकते हैं, तो ये तो हमारे एडमिशन का सवाल है जिसमें हमें कहीं से कुछ सोर्स नहीं है। RPV की ऐसी कोई वेबसाइट भी खास मुझे नज़र नहीं आई, तो मैं एडूडेल पे ही भरोसा करती हूँ क्योंकि वही हमारे दिल्ली को लेकर चीज़ें प्रोवाइड करता है, तो वहाँ पर मुझे कुछ भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं मिला है। और अगर आप किसी के भकावे में आ रहे हैं कि RPV में एडमिशन ओपन हो गए हैं, तो फिर आप उन्हीं से सवाल जवाब कीजिए। हमने अपनी तरफ से साफ कर दिया है कि फ़िलहाल RPV में कोई एडमिशन नहीं है। RPV के सारे स्कूल SOSC में कन्वर्ट हो गए हैं, मोस्टली स्कूल कन्वर्ट हो चुके हैं, जो कुछ बचे हुए हैं वो थोड़े दिनों में, थोड़े ही सालों में जो होंगे वो कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। उसमें किसी तरीके का एडमिशन नहीं चल रहा है, तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। और फिर से लास्ट टाइम फिर से मैं आप सभी से माफ़ी मांगना चाहती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।